कोई कहे कि हमें कथा से क्या मिला, अगर एक सपूत संतान तेरे घर में है तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गया, सबसे बड़ा धन। और ये कथा करती है, हिंदुओं की चर्चा करने वाले बहुत हैं लेकिन हिंदू संस्कृति को बचाने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। बातें तो लंबी लंबी करवा, भाषण 5 घंटे का देंगे लेकिन 5 मिनट भी हिंदू संस्कृति को बचाने का उपाय नहीं करेंगे। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, बड़ों का आदर, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा, जब तक आप में नहीं होगी आप सनातनी नहीं हो सकते। ये कथाएं देती हैं आपको, आपके चित्त का शुद्धिकरण। जैसे कुंडे में खुंटी होती ना, खुंटी सीधी खुंटी हो तो कपड़ा कभी भी गिर सकता है, और टेढ़ी खुंटी हो तो टांग दो फिर उतरने वाला नहीं। भगवान की कथा में अगर आपका चित्त अटक गया तो वो टेढ़ी खुंटी है, उसमें से हटने वाला नहीं है, हवा में भी टिका रहेगा। हवा मीन्स जब भी कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है तो लोग भगाते हैं, लोग कहते हैं कहाँ चला गया तेरा भगवान, कहाँ गया तेरा भगवान। अरे मेरे भगवान ने ही संसार की रचना की है सुख में भी। कई लोग कहते हैं हम तो इतना अच्छा काम करते थे, हमारे घर में कोरोना कैसे आ गया, हमारे यहां तो इतने अच्छे अच्छे काम होते थे, हमारे घर में ये दुख क्यों आ गया। तुम्हें पता है अगर तुम अच्छे अच्छे नहीं करते तो शायद इससे भी भयानक घटना हमारे घर में घट सकती थी। तुम्हारे कर्मों को भगवाने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए भगवान पहाड़ रूपी दुख को भी कंकड़ एक ठोपर लगवा कर तुमसे ठोपर लगवा देता है, जिससे वो पहाड़ गिरने वाला था, वज्र गिरने वाला था, वो कष्ट लगे सिर्फ कंकड़ से कष्ट लग के तुम्हारा कर्म पूर्ण हो जाए और तुम्हें वो पहाड़ से न टकराना पड़े। अच्छा एक बात बताओ, जितना माँ बाप जानते हैं क्या बच्चे उतना जानते हैं, जवाब दो। जितना गुरुजन जानते क्या हम उतना जानते हैं, और जितना परमात्मा जानता है क्या उतना कोई भी जानता है, ब्रह्मा भी जानता है क्या, नहीं जानता है ना। भगवान को पता है कहाँ सुख है कहाँ दुख है। कई बार बच्चा ना समझ होने के कारण अग्नि में खेलने की इच्छा करता है, अग्नि से लकड़ी में डंडी में आग लगाकर लकड़ी में, और वो खेलता है, पर माँ बाप को पता है ये रिस्क ले रहा है, लग जाएगी, जल सकता है, कपड़ों में आग लग सकती है। कई बार बच्चे जिद करते कि नहीं हमें इससे ही खेलना है, तो हम माँ बाप को तो पता है ना बच्चे का हित किसमें है। वैसे ही हमें जो चीजें दिखती हैं कि इसमें सुख है, शायद वो लकड़ी में लगी हुई आग है जो हमें दिख नहीं रही कि हमें भुरसा देगी, हमें जला देगी, परंतु परमात्मा को पता है कि मेरे बच्चे को मैं ये लकड़ी दूंगा ही नहीं, ये आग दूंगा ही नहीं, क्यों कि ये आग दे दूंगा तो ये जल जाएगा और मुझे मेरे बच्चे को जलने से बचा लेना है। चाहे तू थोड़ी देर रो ले, चाहे तू थोड़ी देर रो ले कोई बात नहीं, पर तू जल जाए ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो अधिक भजन का प्रभाव है, ठाकुर जी इसी जन्म में तुम्हारे सभी कर्मों का एकदम हिसाब किताब जीरो बैलेंस पे लाना चाहते हैं, और जब तुम्हारे कर्मों का बैलेंस जीरो बैलेंस हो जाएगा तब मेरे ठाकुर जी डायरेक्ट तुझे अपने धाम के लिए ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ज्ञान भी तो कथा ही देती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।